राधे राधे गुरु जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन और रविवार वाले दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम चढ़ाते हैं। एकादशी के दिन जल चढ़ाने की मनाही नहीं है, तोड़ने की मनाही है संडे को। बस धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, मेरा 5 साल का बेटा ही आपसे बात करना चाहता है। गुरु जी। हाँ। राधे राधे जी। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी बैठेंगे बेटा, मिल लेना, आप तो स्वयं भगवत तुल्य हैं, बच्चे हैं। गुरुजी, हाँ। मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है मोबाइल में। हाँ। आप खेलते हो? हाँ, आपके साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दो। खुश रहो। गुरुजी जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती। क्या हो गया? इतनी दवाई करवा दी, कहीं आराम नहीं है। गुरुजी, क्या दिक्कत है? सर में दर्द, बुखार रहता है हर समय। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो रिपोर्ट में टाइफाइड निकलता है, इतना इलाज कराया तब भी आराम नहीं है। तो टाइफाइड का तो इलाज हो जाता है बहुत अच्छे से। गुरुजी, इतना इलाज कराया, कहीं वही नहीं, तब भी सही तबीयत सही नहीं रहती। टाइफाइड का तो देखो, मोतीचूर बोलते हैं ना टाइफाइड, वही है ना, मोती झिरा कहा जाता है कि चंदन घोर के पीने से, मल्याग्र चंदन होता ना शुद्ध, चंदन को पत्थर में घिसो और उस चंदन को घिस के पी जाओ, उसमें लाल चंदन भी हो मल्याग्र चंदन भी हो, ऐसे चंदन घिस के पी लेने से मोती झिरा जो होते हैं, जो आप बता रहे हैं, वो ठीक होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं भी बचपन में एक बार हुआ था तो मैंने भी चंदन लिया, तो ठीक है। तो आप और मैया से बोलना, कम खाएं, अच्छा खाएं, अंकुरित चीजें खाएं, है ना, सलाद खाएं, थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, मेरी भी नौकरी कहीं नहीं लगती। क्या करते हो आप? करता तो अभी जॉब कर रहा। क्या कर सकते हो आप? जॉब कर रहा था, वहाँ से छूट गई। कितना कमाते थे? वही 10,000 मिलते थे महीने। क्या कर सकते हो आप? करने को तो गुरुजी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो करो, वही तो हम कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप 10,000 की नौकरी के पीछे पड़े हैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बने नौकरी देने वाले पर आप बन रहे हैं नौकरी लेने वाले। बनिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। बेटा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कान्हा जी जो हैं वो सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, राधा जी या सुदामा जी? राधा जी और सुदामा जी, है ना। आप कितनी बहन हो? हम दो, मेरी एक और छोटी बहन है और मेरा एक भाई। तो आपकी, आपका छोटा भाई है और आपकी बहन है, ये बताओ आप अपनी बहन को ज्यादा प्यार करती हो कि भाई को? भाई को। बहन को नहीं करती हो? मेरा भाई सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो भाई को प्यार करती हो आप, बहन को नहीं करती हो? करते हैं बहन को भी। तो ज्यादा किसको है? भाई। भाई को। अब आप ये प्रश्न आप अपनी माँ से पूछो कि आपकी माँ के 3 बच्चे हो गए, 2 बेटियाँ 1 बेटे, तो माँ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? सबसे। उसी तरह भगवान भी सबसे प्रेम करते हैं, राधा जी से भी, सुदामा जी से भी, भक्तों से भी, आपसे भी, हमसे भी, भगवान के लिए सब एक है।